फ्रेंड्स, दिस इज मी गार्गी एंड यू वाचिंग योर फेवरेट जेबीटी एंटरटेनमेंट न्यूज चैनल। इस बार के बिग बॉस में जितने भी कंटेस्टेंट आए हैं वो सारे ही काफी फेमस हो चुके हैं। उनमें से एक ऐसा भी था जिसने कभी बेचा था दूध, ये कोई और नहीं है सबके चहेते शिव ठाकरे, जो बने थे बिग बॉस 16 के फर्स्ट रनर अप। इस कंटेस्टेंट की पहचान शो में एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर के तौर पर हुई थी। ये महाराष्ट्र के छोटे से शहर अमरावती के रहने वाले हैं, जिन्होंने हाल ही में मुंबई में एक रेस्टोरेंट भी खोला है। लोग इनको देखकर बहुत ही प्यार बरसाते हैं और आज इनकी नेटवर्थ भी काफ़ी अच्छी है। वैसे रिपोर्ट्स की माने तो शिव ठाकरे जब बिग बॉस में थे तब वो हर हफ्ते 5 लाख रुपए चार्ज करते थे, तो इस हिसाब से इन्होंने इस शो से करीब 1 करोड़ रुपए कमाए हैं। और हाल ही में शिव ने एक टाटा कार भी खरीदी है जिसकी कीमत करीब 30 लाख मानी जा रही है। इतना ही नहीं, इसके बाद शिव ने मुंबई में एक रेस्टोरेंट बिजनेस भी खोला। खबरों की माने तो शिव ने ठाकरे चाय एंड स्नैक्स नाम से अपना बिजनेस खोला है और इसी रेस्टोरेंट के फ्रेंचाइजी और कई जगह पर खोलना चाहते हैं, जैसे कि मुंबई, पुणे और बाद में अपने होम टाउन अमरावती में। तो इस हिसाब से नेट वर्थ की बात करें तो शिव ठाकरे की टोटल इनकम होगी लगभग 6 से 10 करोड़ रुपए और बीबी हाउस से निकलने के बाद वो टीवी हस्तियों में से एक अमीर हस्ती में गिने जाने लगे हैं और अब जल्द फिर से रोहित शेट्टी के शो खतरों के खिलाड़ी 13 में भी नजर आने वाले हैं। Well, that's it for now. For more updated entertainment news, please log in our website www.thejbt.com.